नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एज ऑफ यूथ और हम आपके लिए लाए हैं सोशल मीडिया स्क्रूटनी। रॉकेट सिंह की तरह सब कुछ बेच देने वाली मोदी सरकार ने 23 अगस्त 2021 को 6 लाख करोड़ की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज कर दिया जाएगा। दरअसल इस स्कीम के बाद प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सरकारी कंपनियों का मैनेजमेंट और उससे होने वाली कमाई चली जाएगी। इनमें पावर सेक्टर से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर शामिल है। हालांकि सरकार मोनेटाइजेशन को लीज यानी किराए पर देना बता रही है, जबकि विपक्ष की माने तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी संपत्ति को बेचने में लगी हुई है। कांग्रेस ने तो इस नीति का नाम नेशनल मोनोपोलाइजेशन यानी राष्ट्रीय एकाधिकरण पाइपलाइन रख डाला है। भाजपा के नारे का मजाक बनाकर कांग्रेस ने इसे अब की बार ओएलएक्स सरकार कर दिया है। इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही तरह की हलचल देखने को मिलती है, जहां एक तरफ बहुत सारे मीडिया घराने सरकार के इस कदम की वाहवाही करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस नीति की जबरदस्त आलोचना हो रही है। कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के कार्टूनों पर नजर दौड़ाएं तो एक कार्टून में मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने यानी कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, और वहीं देश की वित्त मंत्री देश का सब कुछ बेचती नजर आती है। एक और कार्टून भी है जिसमें एक पत्नी अपने पति पर गहने बेचने पर भड़क रही है और पति पत्नी को शांत करते हुए कहता है, मैंने बेचा नहीं है, सिर्फ मोनेटाइज किया है। देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की यही हालत है। सरकार यह भी तर्क दे रही है कि प्राइवेट प्लेयर सभी सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि तो फिर सरकार आखिर क्या करेगी? सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए यह कार्टून काफी है, जिसमें एक पत्रकार वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि क्या सरकार को भी लिस्ट किया जाएगा। मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में ऐसे ना जाने कितने ही फैसले लिए हैं जिनमें सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट खिलाड़ियों के हवाले कर दिया गया। आम जनता के डर को सतीश आचार्य ने इस कार्टून में बहुत ही संवेदनशील ढंग से दिखाया है। फुटपाथ पर सोया हुआ एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, बाबा क्या वे यानी सरकार फुटपाथ भी बेच रहे हैं? इसी बीच जन्माष्टमी का त्यौहार भी आया और रचनात्मक जनता ने अपने तरीके से दोनों घटनाओं को जोड़ दिया। कार्टूनिस्ट मालवीय ने माखन चोर की हांडी को खाली दिखाया। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले तो वह भगवान के लिए भी कुछ ना छोड़े। मेरा सबसे फेवरेट मीम सारा भाई वर्सेस सारा भाई वाला है। इसमें उषा ठाकुर मोनिशा को हमेशा की तरह बताती हैं कि किसी बात को हायर क्लास के लोग किस तरह कहते हैं, और बेच देना बहुत ही मिडिल क्लास बात है, बल्कि मोनेटाइजेशन कहना हायर क्लास। इस घटनाक्रम को लेकर ट्विटर पर भी घमासान रहा। भाजपा ने सफाई देने की बहुत कोशिश की और कहा कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला है। हालांकि इससे नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाएगा और महंगाई की दर में बढ़ोतरी लाजमी है। बार बार देश को ना बिकने देने की सौगंध खाने वाले मोदी जी को इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है कि पूंजीपति जनता की सेवा के लिए इन क्षेत्रों में निवेश नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पॉकेट भरने के लिए करेंगे। अंत में मोदी जी को धन्यवाद देते हुए यह एक बोनस मीम आपके समर्पण। देखते रहिए एज ऑफ यूथ। धन्यवाद।